हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेक्शनल वार्पिंग मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे इसमें प्रोडक्शन होता है ना, क्यों ये मशीन स्लो चलती है। ठीक है, देखिए क्या सेक्शनल वार्पिंग मशीन, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ ना कि स्लो स्पीड। अभी स्लो स्पीड क्यों होती है? अभी आप लोगों ने बीम वार्पिंग पढ़ा तो वो क्या था? हाई स्पीड मशीन थी। और ये क्या है? स्लो स्पीड मशीन है। अभी स्लो क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम सेक्शन डिवाइड करते हैं, कई सारे कलर का हम इसमें यूज कर सकते हैं। कलर का मतलब कि देखिए, जैसे कोई हमें सीट फॉर्म तैयार करना है, वार्पिंग का मतलब क्या था यहाँ पे? जैसे हम बीम वार्पिंग में पढ़े थे ना कि कई सारे एंड्स को लेकर, या कोन, जो हमारे कोन है जहाँ पे क्रिल से धागे आते हैं, उनको कई सारे कोन से लेकर हम एक सीट फॉर्म में क्या करते हैं, वार्पर्स बीम पे वाइंडिंग करते थे ना, तो सीट फॉर्म में तैयार हो जाता था। इसी तरह सेम इसका भी है, इसमें भी हम क्या करेंगे, बीम ही तैयार करेंगे, सीट फॉर्म में बीम तैयार करेंगे, लेकिन अलग अलग कलर के। उसमें क्या था कि वह सिंगल कलर था, सिंगल कलर में बीम वार्पिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए उसकी स्पीड हाई थी। इसमें क्या है, अलग अलग कलर के हैं ना, अलग अलग कलर के धागे होंगे तो क्या होगा, थोड़ी स्पीड उसको स्लो रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हम कोई धागा ले लिए ब्लू कलर का, है ना, ये ब्लू कलर का ले लिए, एक सेक्शन बना लिए, कई सारे धागे हो गए ब्लू कलर का। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेक्शन बना लिए ग्रीन कलर के, है ना, फिर ऐसे एक सेक्शन बना लिए येलो कलर का, ना अभी सेक्शन, अब उधर से धागे ये ऐसे कलर के आ रहे हैं ना, एक सेक्शन बट गया है, इस टाइप में आ रहा है। अब देखिए अगर इनकी स्पीड हम ज़्यादा स्पीड से इनको हम वाइंडिंग करेंगे ना, या प्रोसेस ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो क्या होगा, इसके जो कलर फाइबर होंगे कुछ इस पर आ जाएंगे, इसमें क्या होंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, इसके कुछ फाइबर इसमें आ जाएंगे या इसके फाइबर इसमें चले जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, उसमें जो हमारे धागे की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी ना। अब ख़राब नहीं होगी, ये ब्लू कलर है, अगर इसमें हम ग्रीन कलर इसमें ऊपर से अगर इसमें ओवरलैप कर जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा, हमारे धागे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, यानी ग्रीन और ब्लू दोनों दिखने लगेगा। तो इसीलिए इसकी स्पीड थोड़ा स्लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू बीम वार्पिंग मशीन। ठीक है, तो इस टाइप में सेक्शन डिवाइड करके इसमें काम होता है। देखिए अब इसमें एक और फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इसमें अगर हम बीम सेक्शनल वार्पिंग मशीन से धागा या सीट बना रहे हैं या बीम बना रहे हैं, तो उसमें हमको साइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो जब साइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरा एक प्रोसेस हमारा कम हो गया ना, तो एक ये भी फ़ायदा है इसमें सेक्शनल वार्पिंग मशीन में कि हम ज़्यादातर जैसे हमारे कलर डिज़ाइन कह सकते हैं कि हम पॉलिस्टर नायलॉन इस टाइप के चीज जो हमारे यान बनते हैं उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं इसमें। ठीक है ना, कलर्ड यान का यूज़ इसमें करके हम सेक्शनल वार्पिंग मशीन में सीट फॉर्म में तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें बोला है कि सेक्शनल वार्पिंग मशीन में वार्प बीम से धागा प्राप्त करने के लिए दो स्टेप की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक पहला इसमें यान को डिफरेंट सेक्शन में बनाना, वही हम बोल रहे हैं कि यान को डिफरेंट सेक्शन में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि डिफरेंट कलर के होते हैं, इसलिए हम डिफरेंट सेक्शन में उसको बांट देते हैं। उसके बाद पूरे सेक्शनल को लूम पर रीवाइंडिंग करना, रीवाइंडिंग मतलब कि क्या होता है, अनवाइंडिंग करना यानी ओपन करना, जो हमारा पैकेज है उससे क्या करना, धागों को रीओपन करना यानी बाहर निकालना ना। अब देखिए इसका कुछ इंट्रोडक्शन है कि जब किसी कपड़े को बनाने के लिए छोटे छोटे अथवा कई रंग के कई किस्म के धागों का प्रयोग होता है या होते हैं, तथा बनाने वाले फैब्रिक की कुल लंबाई भी बहुत कम होती है। देखिए इसमें इसकी स्पीड भी स्लो होती है, और इसमें क्या होता है कि इसकी उतना ज़्यादा लंबाई नहीं होती है जितना हमें बीम वार्पिंग मशीन मिल जाती है ना। तो ये क्या है कि जब हमको बहुत ही मान लीजिए कलर्ड कपड़ों की ज़रूरत पड़ी या तभी हम इसका यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर का अगर हमें यूज करना है तब हम इस बीम का यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारा तो सिंगल कलर बन ही चुका है। जैसे बीम वार्पिंग मशीन में क्या है, सिंगल कलर बन चुका है, तो ज़्यादातर सिंगल कलर का ही यूज़ होता है। मान लीजिए कि अगर हमें डिफरेंट कलर का चाहिए तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं ना, तो उसकी लंबाई भी कम होती है, तब उसके लिए जनरली हम सेक्शनल वार्पिंग मशीन का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्रयोग होने वाली मशीन सेक्शनल वार्पिंग मशीन कहलाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के धागों को मिलने वाली तथा उनकी संख्या घटने की संभावना बहुत कम होती है। देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के धागों को मिलने तथा उनकी संख्या घटाने
की संभावना बहुत कम होती है। इस विधि में समानता उन धागों की वार्पिंग की जाती है जिसमें साइजिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, वही चीज़ हम कह रहे हैं कि इसमें हम जो भी सीड बनाएंगे या जो भी बीम तैयार करेंगे उसमें हमें साइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, अब देखिए इसमें इसकी वर्किंग ना, वर्किंग है ये, इसका डायग्राम है सेक्शनल वर्किंग मशीन का। देखिए वर्किंग अगर आपको इतना, ये जैसे ये इतना लिखा हुआ ये पता है आपको, तो आप इसकी वर्किंग आराम से लिख सकते हैं और डायग्राम पता हो इतना, ये है आपको इतना कायदे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए वर्किंग में क्या है। वर्किंग जैसे देखो बीम वार्पिंग मशीन का था सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर यही है कि इसमें क्या होता है सेक्शन में बांट के हमारा काम होता है ना। जो भी धागे हम करेंगे उसमें क्या होगा सेक्शंस में बांट लिए जाते हैं, उसके बाद फिर उसमें आगे काम किया जाता है। देखिए इसमें जैसे ये मेन पॉइंट है हमारे ना, मेन है ना, पहले कि क्या है यार्न फ्रॉम क्रील, जो हमारा धागा है वो भी क्रील से आ रहा है। ऐसे भी क्या था उसमें भी था, बीम वार्पिंग मशीन में भी यही था ना कि क्रील से धागा आता है। ठीक है, उसके बाद थ्रू बैक रीड का मतलब, रीड का मतलब क्या था, रीड का मतलब ये था ना कि धागे में सेपरेशन बनाए रखना ना। तो पहले क्रील से धागे आएंगे ना, क्रील से जो धागे आ रहे हैं, जो हमारे कोन से या चीज़ से जो धागे आ रहे हैं वो क्या होगा उसको, उसमें सेपरेशन चाहिए ना। अगर वो अलग अलग नहीं रहेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटेंगल हो जाएंगे, फ्रिक्शन होगा, टूट जाएंगे। तो इसमें क्या है बैक रीड लगी होती है, इससे क्या होगा, देखिए अब ये बैक रीड लगी तो इससे भी क्या होता है सेपरेशन, जो कई सारे कलर हैं उनका भी सेपरेशन बना रहता है बैक रीड में। उसी तरह उसको सेपरेट किया जाता है कि अलग अलग कलर अलग अलग पाथ पे चले, है ना। उसके बाद ओवर गाइड रोलर लगा होता है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं यार्न को पास कराते हैं। फिर ओवर थ्रेड स्टॉप मोशन भी लगा होता है, मान लीजिए कोई धागा टूट जाए तो हमारी मशीन बंद हो जाए। ठीक है, इसके बाद ओवर लूज राड, या इसको लीज राड भी बोलते हैं, लूज राड, इसका भी काम क्या होता है कि धागे को सेपरेट रखना। ठीक है ना, धागे को क्या करेगा अलग अलग रखना, अगर हम धागे को अलग नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर थ्रू वी क्रील है यहाँ पे क्रील का मतलब ये नहीं कि जैसे पीछे हम क्रील यूज़ किए हैं वैसे है, ऐसा नहीं है, बस ये क्रील वी क्रील का मतलब यहाँ भी क्या है कि धागों को सेपरेट रखेगा, अलग अलग रखेगा धागे। देखो इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट या कई सारे इसमें ऐसे डिवाइस यूज़ किए जाते हैं जिससे क्या हो कि धागा अलग अलग रहे, क्योंकि अलग अलग नहीं होगा तो आपस में क्या होंगे, उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर थ्रू मेजरिंग रोलर का काम कितना क्या होता है, मेजर करेगा कि हमको कितना धागा बनाना है या हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है। फिर ऑन द सेक्शनल, यानी जो हमारा धागा है वो सेक्शनल बीम पे उसको वाइंड कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका डायग्राम जो है उसको देखिए आप लोग ध्यान से क्या कह रहा है कि इधर ये जो इधर, एक मिनट, ये है ना, ये इधर ये सेक्शन दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, इधर से क्रील से हमारे धागे सब आ रहे हैं अलग अलग कलर के ना, इधर से आ रहे हैं ये, फिर यहाँ पे क्या लगा है बैक रीड लगा हुआ ना, ये क्या करेगा, देखिए यार्न फ्रॉम लिखा ना, यार्न फ्रॉम क्रील सेक्शन ये लिखा हुआ, ये बैक रीड लगी, इससे क्या होगा कि धागे अलग अलग दिखेंगे नहीं दिखेंगे। फिर गाइड रोलर लगा हुआ है, गाइड रोलर क्या करेगा धागे को एक तरह से गाइड करेगा कि आगे उसको पास कराएगा। फिर फॉलिंग रोलर ना, फॉलिंग रोलर का मतलब बताए थे हम, फॉलिंग रोलर क्या करेगा, टेंशन मेंटेन रखेगा, अगर धागों में टेंशन मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा आपस में वो उलझना शुरू हो जाएंगे। तो फॉलिंग रोलर का काम तो यही था। उसके बाद फॉलिंग रोलर से यार्न को पास कराया जाता है। फिर लीज रॉड ना, इसको हम कॉम्ब भी बोलते हैं, कॉम्ब से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कॉम्ब का मतलब क्या होगी, थोड़ा उसको एक तरह से अलग अलग रखना है, यानी सेपरेट करना। इसमें भी इसको लीज रॉड बोलें या लूज रॉड बोलें ना, वही बात है। तो ये क्या करेगा धागों को सेपरेट रखेगा, अलग अलग रखेगा। फिर नीचे यहाँ गाइड रोलर है, गाइड रोलर से फिर धागे को पास कराया जाता है। फिर गाइड रोलर के थ्रू ही आगे फिर क्या है स्टॉप मोशन है, ये लगा हुआ है ना स्टॉप मोशन, ये वाला स्टॉप मोशन है। स्टॉप मोशन का काम तो सबको पता ही है,
कि अगर धागा टूट गया तो क्या करेगा, धागा टूट गया तो मशीन को बंद कर देगा। ठीक है, स्टॉप मोशन के बाद फिर यहाँ पे देखिए टेंशनिंग डिवाइस यहाँ भी लगी हुई है। ये रहा टेंशनिंग डिवाइस, मतलब क्या है कि यहाँ पे टेंशन मेंटेन करना ताकि धागे एक दूसरे से उलझे नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए लगा है ना वी शेप क्रील, ये चीज़ें दिख रही है वी शेप क्रील ना। वी शेप क्रील का मतलब क्या है, ये भी क्या करेगा धागों को सेपरेट रखेगा। वी शेप क्रील का मतलब कि यहाँ पे जो धागा इसमें इसके द्वारा पास होंगे ये इसके थ्रू जो पास हो रहे हैं उसको क्या करेगा सेपरेट रखेगा। वी क्रील का भी यही यूज है। उसके बाद गाइड रोलर के थ्रू सीधा सेक्शनल बीम पे, यहाँ पे है ना सेक्शनल वुडन वाइंडिंग, ये जो चीज़ लगा ये क्या है सेक्शनल वुडन वाइंडिंग, वुडन का होता है। इसके बाद फिर क्या है ये रोलर ब्रेक। अब ये रोलर ब्रेक मतलब ये धागे के ऊपर ब्रेक लगाएगा, वो ये इसी हिसाब से दिखाया गया है, मतलब कि ये रोलर हमारा जैसे धागा कंप्लीट हो जाए मेजरिंग रोलर से जैसे पता चला कि हाँ धागा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हमारा वाइंडिंग ड्रम है ना ये वुडन जो सेक्शनल वाइंडिंग ड्रम है उसको क्या करेगा देगा स्टॉप कर देगा। तो और इस तरह से हमारी बीम कंप्लीट हो जाएगी, उसको बाहर निकालेंगे दूसरा पे काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है वर्किंग प्रोसेस। ऐसे ऐसे हम आप यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए कि हमारा क्रिल से धागे आते हैं। ये जो चीज़ था इसके पहले था ना कोई याद है ना, ये इतने में ही सब काम होता है। ये इसका मेन जो एक तरह से पार्ट कह लीजिए या स्टेप कह लीजिए, यह एक स्टेप है जिसके द्वारा इससे पता चलता है कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए अब इसकी वर्किंग प्रोसेस भी क्या है। है ना, देखिए वही सब चीज़ें हैं। देखो यान को क्रील के माध्यम से पास कराया जाता है, क्रील में पैकेज को सेक्शन वाइज डिवाइस डिवाइड कर लिया जाता है या रख दिया जाता है, डिवाइड कर लेते हैं यानी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। कौन सा जैसे कोन है हमारे, कोन तैयार हो गए तो उनको जैसे ब्लू कलर का है ग्रीन कलर का तो उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे ना वहीं से, तभी तो अलग अलग आएगा। तो उसी हिसाब से हमारी लीज रॉड या लूज रॉड लगी होती है वो क्या करेगा सेपरेट रखेगा। ठीक है, सेक्शन डिवाइड कर लिया जाता है उसके बाद, क्योंकि इस मशीन में कलर्डफुल यार्न पैकेज को क्रील में फीड किया जाता है। वही बात हो गई कि जैसे हमारा जो कोन है मान लीजिए ग्रीन कलर है ब्लू कलर थी, कलरफुल हो गए तो उन्हीं को हम फीडिंग कर रहे हैं ना, कलरफुल यार्न का ही तो फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, ठीक है इसके बाद इसमें है कि इसके बाद यान को बैक रीड के थ्रू गुजारा जाता है जहाँ पर यान में फ्रिक्शन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन है ये चीज़ है ना, यान को यहाँ फ्रिक्शन होने से रोकता है। वही मतलब कि जो हमारी बैक रीड है वो क्या करेगी सेपरेट रखेगी, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन जो जैसे फ्रिक्शन अब यहाँ से देखिए आप लिख लीजिएगा फ्रिक्शन ना, एक मिनट ठीक है फ्रिक्शन है ना। तो क्या करेगा यहाँ पर जो यान फ्रिक्शन होने से रोकता है तथा यान को आपस में उलझने से भी रोकता है। जो रीड लगी हुई है, रीड का मतलब देखिए सबको पता होगा ना कि इस टाइप में जैसे इस तरह के जैसे एक वायर लगा दिए जाते हैं ना। अब ये देखिए सेपरेशन, अब जो धागे यहाँ से जा रहे हैं ऐसे और जो धागे यहाँ से जा रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं तो दोनों में सेपरेशन है कि नहीं है, ये आपस में उलझ सकते हैं नहीं उलझ सकते हैं। तो रीड का काम यही होता है कि धागों को सेपरेट रखना यहाँ पे फिलहाल, बाकी रीड जैसे जो हमारी जो वीविंग प्रोसेस में यूज होती है वो बीटअप मोशन का काम करती है, वहाँ भी सेपरेट ही रहता है लेकिन बीटअप मोशन का भी काम करता है, यहाँ पर केवल सेपरेशन के लिए हम रीड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अलग बात है ना, ये हमारा रीड क्या करेगा फ्रिक्शन से रोकेगा प्लस आपस में उलझे ना, इस पे क्या करेगा ये रीड का काम यही रहता है कि वो फ्रिक्शन ना होने पाए यान में और सेपरेशन बनाए रखे। उसके बाद फिर देखिए फिर यान गाइड्स लिखा हुआ ना यहाँ पे,
ये यार्न गाइड रोलर के थ्रू यार्न को पास कराया जाता है। उसी आप डायग्राम पे देखते रहिए, उसी से एकदम उसको देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर यार्न गाइड के थ्रू पास कराया जाता है, जहाँ पर गाइड रोलर की मदद से यार्न को गाइड प्रोवाइड करता है, यानी आगे बढ़ाता है। कुछ कहने का मतलब ये कि गाइड मतलब क्या है, उसको यार्न को आगे पास कराना और कुछ नहीं है। फिर और यान को आप देखिए लिखा ना कि और यान को अन और यान को अनवाइंड करने के, ठीक है ना। तो और देखिए यान को एक तरह का ये क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। ये पाथ प्रोवाइड मतलब कि यान को गाइड रोलर का काम क्या होता है, यान को पाथ प्रोवाइड करना। उसके बाद देखिए स्टॉप मोशन ये पहले लिख दिए हैं, स्टॉप मोशन का हम इसमें बाद में यूज़ कर सकते हैं। या यहाँ यान जैसे उसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि गाइड रोलर के बाद फिर क्या है हमारा लीज रॉड का यूज हुआ है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये चीज़ कि लीज रॉड के सहारे यान को खींचा जाता है। लीज रॉड एक प्रकार का कॉम जैसा होता है। लीज रॉड आया तो उसके बारे में पहले आप देख लीजिए, यानी हम यहाँ पे यहाँ तक लिखने के बाद हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ जाएंगे कि लीज रॉड के सहारे यान को खींचा जाता है। लीज रॉड एक प्रकार का कॉम जैसा ही काम करता है, इसके द्वारा यान में सेपरेशन बनाए रखता है, वही मतलब कि यान को सेपरेट रखता है। और फिर गाइड रोलर के द्वारा यान की टेंशन को मेंटेन रखता है, जो यान का टेंशन वो गाइड रोलर मेंटेन रखता ही है, जाहिर सी बात है। फिर देखिए यहाँ लीज रॉड हो गया, अब जैसे गाइड रोलर हो गया, उसके बाद फिर हम यहाँ कह सकते हैं उसके बाद स्टॉप मोशन के थ्रू ये चीज़ स्टॉप मोशन के थ्रू यान को टूट जाने पर मशीन पूरी तरह स्टॉप कर दिया जाता है। ये तो आप तो इसमें आप समझ गए होंगे, स्टॉप मोशन का मतलब यही होता है कि कहीं भी मशीन अगर हमारी मशीन कह रहे हैं जहाँ कहीं पे हमारा धागा अगर टूट गया तो मशीन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ये थोड़ा आगे पीछे आप इसको कर लीजिएगा कि लीज रॉड हमारा उसमें जो डायग्राम है लीज रॉड पहले आया है ना, तो इसको पहले लिख लीजिएगा। स्टॉप मोशन तो कहीं भी ऐड कर सकते हैं। फिर लीज रॉड का मतलब समझ में आ गया कि यान को क्या करता है, सेपरेट रखता है और उसमें क्या है, ताकि उसमें क्या सेपरेट नहीं रखेगा तो आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और फिर गाइड रोलर यहाँ पे ना, और गाइड रोलर के द्वारा यान की टेंशन को मेंटेन रखा जाता है या रखते हैं। उसके बाद सभी यान को वी सेफ क्रिल के द्वारा पास कराया जाता है। वी सेफ क्रिल का भी काम क्या होता है, इसका भी काम यही होता है कि यान में ये लिखा ना कि एक दूसरे से फ्रिक्शन होने से रोके, देखिए फ्रिक्शन की स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। फ्रिक्शन को क्या करना, रोके रहने, यानी एक दूसरे से फ्रिक्शन ना हो। तो हमारा जो वी सेफ क्रील है, जिसका नाम है क्रील नाम है, लेकिन इसका भी काम एक तरह से रीड की तरह ही तो है कि क्या करता है कि धागों को सेपरेट रखता है ताकि एक दूसरे से फ्रिक्शन ना हो, ना फ्रिक्शन होगा ना टूटेंगे, ठीक है। रोके तथा उनके बीच सेपरेशन बनाए रखता है। यान को वी सेफ क्रील के बाद ये लिखा ना, यान को यहाँ पे ये है ना वी सेफ क्रील के बाद मेजरिंग रोलर के थ्रू पास कराया जाता है। मेजरिंग रोलर उतना बन गया है कि अगले प्रोसेस में बीम सेक्शन ना, मतलब कि यहाँ पे ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मेजरिंग रोलर का मतलब ये है कि जितना में यान की ज़रूरत थी उतना कंप्लीट हो गया है, अब मशीन को स्टॉप कर दिया जाए ना, मेजरिंग रोलर का काम यही होता है। इसके बाद फिर अगले प्रोसेस में बीम पर क्या है, सेक्शन वाइज यान को वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। बीम पर सेक्शन वाइज यान को वाइंड कर दिया जाता है ना, बीम पर सेक्शन वाइज इसको वाइंड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे ये फॉलिंग रोलर है, फॉलिंग रोलर के बाद हिमाला क्या है, यहाँ पे लीज रॉड आ गया, फिर गाइड रोलर। तो जिस हिसाब से आप इसमें आप डायग्राम देखें उस सीक्वेंस में आप इसकी एक तरह से वर्किंग लिख सकते हैं ना।
या अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।